ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम करने जा रहे हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। एंड व्हाट डू थिंक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या चीजें करनी चाहिए मैथ और इंग्लिश के पोर्शन में, और किन किन कि चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। शायद भी अगर हम टाइम मैनेज जी जी हारिस कहिए, नहीं नहीं आप कंटिन्यू कर सकते। ओके, अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट में यह है कि ऑब्वियसली अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई सैंपल पेपर ले लें, कोई पास्ट पेपर ले लें, कुछ भी फुल लेंथ पेपर आपको बहुत ज़रूरी है करना, और सिर्फ एक नहीं बहुत सारे फुल लेंथ पेपर करना होंगे टेस्ट से पहले, एक्चुअल टेस्ट से पहले। क्योंकि जब आप एक पेपर करते हैं तो ज़रूरी बात है कि आपका एक तो स्ट्रेस लेवल जो होता है, एक घर पे बैठ के फुल लेंथ पेपर कर रहे हैं और एक टेस्ट सेंटर में बैठ के फुल लेंथ पेपर कर रहे हैं, उस पे स्ट्रेस लेवल तो डिफरेंट होता है, उसको तो आप छोड़ें अभी। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की, तो उसमें होता है कि फर्स्ट पेपर में आपके लिए टाइम मैनेज करना भी मुश्किल होता है, आपकी तैयारी भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। जब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने पहला पेपर किया, मुझसे क्वेश्चन बहुत से रह गए थे, मेरे मार्क्स भी कम आए उसमें। मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया, मुझे इंप्रूवमेंट नजर आई, मैंने दोबारा अटेम्प्ट किया। जितना आप बार 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 क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, फुल लेंथ को सॉल्व करोगे, तो आपके पास आइडिया हो जाता है, अच्छा अगर मैं एक पेपर में इतना टाइम इस क्वेश्चन को लगा रहा हूँ, इतना टाइम मैं इस क्वेश्चन को लगा रहा हूँ, तो मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट भी हो रहा है और उसका एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फुल लेंथ पेपर करें, तो उससे आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, व्हाट डू यू से दिस अबाउट हारिस? तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट आपका एक एसेंशियल पार्ट है हर टेस्ट का, आईबीए के टेस्ट का नहीं, आप कोई भी टेस्ट है, टाइम मैनेजमेंट आपको, टाइम मैनेजमेंट बेसिकली एक टाइम मैनेजमेंट फैक्टर एंजाइटी का भी बहुत होता है, कि आप एंजाइटी में, नर्वसनेस में आकर आप टाइम वेस्ट करते हो अपना, आपसे टाइम मैनेज नहीं होता। तो आपको अपनी एंजाइटी पर, अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखना है टेस्ट करते वक्त, और ये आप कंट्रोल तभी कर सकेंगे जब आपने प्रैक्टिस की होगी पहले घर पे, आपने एटलीस्ट 10 प्रैक्टिस फुल लेंथ टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए होंगे, अपने आपको टाइम्ड करके, एग्जैक्ट टाइम्ड आपने स्टॉप वॉच यूज किया होगा, अपने आपको टाइम किया होगा, तभी आप। मेरे साथ सेकंड अटेम्प्ट में यही मसला होता है कि टाइम प्रैक्टिस नहीं थी मेरी, मैंने अपने आपको टाइम प्रैक्टिस नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से मैं टाइम की वजह से लैग किया था। पर मैंने थर्ड अटेम्प्ट में वो अपनी अपनी मिस्टेक्स को रिकॉग्नाइज किया। आप अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं, आप राउंड वन दे रहे हैं फॉर फॉर योर एक्सपीरियंस, तो आप अपने आपकी अपनी मिस्टेक्स नोट करें कि आपने राउंड वन में क्या की थी, और राउंड टू में उस मिस्टेक्स को नेवर रिपीट योर मिस्टेक्स, ट्राई टू इम्प्रूव देम, कि आप अपना टाइम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आपको टाइम करें फिक्स। और मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा, आपको अपना स्ट्रेस से, आपको स्ट्रेस से हैंडल होना चाहिए, इन दोनों का आप डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन है। आपको अगर स्ट्रेस हैंडल करना आता होगा तो आप टाइम मैनेजमेंट भी कर ही लेंगे। तो इनका ये दो फैक्टर अपने ख्याल में रखने, कि आपने नर्वस नहीं होना, इन दी एंड आईबीए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, इंशाल्लाह यू कैन डू इट। और अगर नहीं भी होता तो यू हैव मल्टीपल चांसेस, आईबीए साल में 4 ऑप्शंस आपको देता है, अंडर ग्रेड में आपके पास चार टेस्ट होते हैं 6 डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, तो आपके पास बहुत चांसेस होते हैं कि साल में 4 दफा अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पहले तो आपको नाउमीद नहीं होना, डिस्करेज नहीं होना कि नहीं मेरा ये राउंड वन नहीं हुआ तो मैं राउंड टू नहीं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं करना, आपको तैयारी करते रहना है और आपको बस फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज के इस वक्त ना आईबीए की प्रिपरेशन के हवाले से ना बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, लाइक एनटीएचपी के कुछ रिसोर्सेज हैं, अनीस हुसैन के कुछ रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, सेम गोज टू के कुछ प्रेप लैब के। कौन से रिसोर्सेज को आप प्रेफर करते हो, या आप क्या समझते हो कि ये वाला जो रिसोर्स है वो कदरे बेहतर है इस रिसोर्स से, ये वाला रिसोर्स जो है वो सैट की जो बैरेंस बुक, तो सब कहते हैं ना बैरेंस बैरेंस, बट यू थिंक कि ये रिसोर्सेज इससे ज्यादा प्रियोरिटी वाइज, आप अगर आप रिसोर्सेज को देखते हो जो आपकी पास हैं, उनको आप किस तरह डिवाइड करते हो? डिवाइड करूंगा कहने से, हाँ बोले बोले, मैं डिवाइड करूंगा। बैरन का इंग्लिश सेक्शन आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है आईबी टेस्ट के लिए, ओके, इंग्लिश सेक्शन हो, वेब सेक्शन हो, ग्रामर पार्ट हो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैथ में आपके लिए वो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट है, टिप्स एंड ट्रिक वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन जो है ना वहाँ पे उनका मतलब आप इजीली कर लेंगे, वो इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं है, तो आपको मैथ सेक्शन सेट का इतना हेल्पफुल नहीं करता। उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि आप इफ यू कैन बाय मटीरियल फ्रॉम ऑनलाइन, देयर इज हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट, अनीस हुसैन, आई बी ए ग्रेड्स, आई बी ए प्रेपवर्क्स और प्रेपलैब, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं मटीरियल, या अगर आप सेट करना चाहें आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, देयर ऑनलाइन रिसोर्सेज टू, पीडीएफ वगैरह,
आपको मिल जाती हैं, यूट्यूब के कुछ लोग हैं आप टॉपिक सर्च करने रिलेटेड मिल जाते हैं। मैंने जो आपको ऑनलाइन वेबसाइट भी रिकमेंड की है जहाँ पे मैथ सेक्शन की आपको पार्टिकुलरली प्रैक्टिस हो जाती है टॉपिक वाइज, तो आप कुछ ना कुछ करके इफ यू आर विलिंग टू पुट इन एफर्ट देन यू कैन डू इट। मैं आप मटेरियल प्रायोरिटाइज में ये नहीं करूंगा कि मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब ये बेहतर है ये है, सबका सब जगह बेहतर होता है, बस आप में विलिंग होनी चाहिए करने की कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं मैथ्स में तो आप कर सकते हैं। मटेरियल अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं आपने प्रैक्टिस की हुई है, ये नहीं कि आप बस सवाल करते जाएं आपका कॉन्सेप्ट हो ही नहीं, सवाल पे आप मतलब कंटिन्यूस रट्टे लगाते जाएं कि ये सवाल ऐसे होगा, उससे आपका टेस्ट क्लियर कभी नहीं होगा। आपको कभी मैथ्स के सही तरह आपको हमेशा समझ के सवाल करने, कॉन्सेप्ट आना चाहिए टॉपिक का, तभी आपके उसके उस कॉन्सेप्ट से आप जितने भी सवाल आ सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके इंडिया अगर हम बात करें रिसोर्सेज के बारे में बात करें, तो मैंने तो जिस तरह पहले बताया है मेंशन किया है कि मैंने एसएटी के लिए पहले तैयारी की थी फॉर मैथ भी और इंग्लिश भी, तो मैंने बैरेंस तो सारी की थी, मैंने बैरेंस की थी उसके लिए इंग्लिश भी और मैथ भी ठीक थी एसएटी के लिए। और दूसरी चीज ये थी कि वो हमारी बेसिक उसने काफी बना दी थी। जब आईबीए के टेस्ट की तैयारी करने लगे तो मेरे पास मुझे एक सीनियर से मिल गया था आईबीए ग्रेड्स का एक कोर्स, उनके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह थे मैथमेटिक्स के, तो वो मैंने यूज किए, वो हेल्पफुल थे। एक टॉपिक के बारे में उन्होंने लॉट ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो वो आपका मतलब बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे थे मेरी। तो उसके अलावा कॉलेज पांडा है एक, तो वो बेसिक्स बहुत अच्छी बना देते हैं आपके। कॉलेज पांडा एक बुक है मैथमेटिक्स के लिए, तो वो बहुत अच्छे करवा देते हैं। बाकी एनटीएचपी के कोर्स पे जितने भी थे वो तो ऑब्वियसली मैंने किए ही थे क्योंकि वो हमारा एज अ क्लास वर्क भी था। तो मैथमेटिक्स की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए वो इजी होगा। तो वो एक तो आपके फिंगर टिप पे हो जाएगा, आपको जो बेसिक्स मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स हैं या ये चीजें हैं ये आपको लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख के सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, और आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं लिख के भी सॉल्व कर रहा हूँ तो उससे आधे टाइम में तो मैं वैसे ही दिमाग में यूज करके उसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये सब चीजें जो प्रैक्टिस मांगती हैं, तो जितनी आप प्रैक्टिस कर लें और वो आपके लिए बेहतर होगा। ओके नाउ द लास्ट थिंग, के आप जो स्टूडेंट इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो आईबी राउंड वन और राउंड टू के लिए जा रहे हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस करना चाहेंगे मोहम्मद हारिस? मैं उनको एडवाइस ये करूंगा कि आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपके पास स्टिल 20 डेज हैं, अगर आप आज से भी प्रिपरेशन शुरू करें तो आप कर सकते हैं। अगर आज से भी अगर आप 16 आवर्स पर डे लेना शुरू करें तो आप तब भी R1 कर सकते हैं, एस कर सकते हैं। अगर आपसे R1 नहीं हुआ तो आप R1 को एक एक्सपीरियंस समझें और R2 की तैयारी करें, और साइड बाय साइड अगर आप इंटर कर रहे हैं तो नेवर नेवर एवर मैच अप योर इंटर, क्योंकि इंटर की आई हैव सीन पीपल्स लाइक के मतलब राउंड वन क्लियर होता है पर इंटर में ग्रेड्स मैच वो नहीं करते, एलिजिबिलिटी मीट नहीं करते, क्योंकि वो मतलब आईबीए में हो जाने के बाद फिर वो अपने इंटर पे इंटर से फोकस हटा देते हैं या सेम ए लेवल से फोकस हटा देते हैं, फिर वो जो आईबीए के मिनिमम एलिजिबिलिटी है उससे मीट नहीं करते। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, बस अपने गोल्स ओरिएंटेड रहें, अपने गोल्स सेट करें, गोल पे फिक्स रहें, और इंशाल्लाह यू विल अचीव दैट गोल। ओके नाउ मोहम्मद अहमद, व्हाट यू थिंक? जैसे कि अभी हारिस ने एक बात मेंशन की है कि आप अगर इंटर से हैं या ए लेवल से हैं तो आप उससे फोकस नहीं हटाएं, तो मैं पर्सनली ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि जब आईबीए राउंड टू के लिए मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने इंटर को बिल्कुल ही छोड़ दिया, और ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था इंटर को, क्योंकि प्रॉब्लम बाद में जाके ये बनता है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का जब आप एडमिशन टेस्ट देते हैं तो आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी नहीं होती कि मेरा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। हाँ, आप अपनी एफर्ट डालते हैं, आपको अल्लाह पे यकीन होता है कि हाँ मैंने मेहनत किया और ये मेरी मेहनत का सिरा मिलेगा। लेकिन जिस तरह अगर आप बिल्कुल ही छोड़ दें अपना इंटर वगैरह या फिर ए लेवल्स वगैरह, तो आपके लिए दूसरी यूनिवर्सिटीज के दरवाजे बंद हो सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज इंटर को ए लेवल्स के ग्रेड्स को ज्यादा मैटर करती हैं, कुछ कहते हैं कि ठीक है इनके ग्रेड इतने इतने होंगे हमारा एडमिशन टेस्ट ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो जैसे आईबीए में है कि 65% टू 75% इंटर के मार्क्स होने चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन रखने के लिए। लेकिन इन केस अगर कोई किसी के साथ ये प्रॉब्लम होती है, अल्लाह ना करे कि वो अपना इंटर या ये दूसरी चीजें छोड़ के सिर्फ आईबीए के टेस्ट प्रिपरेशन करने बैठ जाता है, तो वो टेस्ट पास कर लेगा, लेकिन अगर अल्लाह ना करे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता
तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। हाँ। तो दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास जो 15-20 दिन बाकी रह गए हैं तो आप फुल लेंथ पेपर करें जितने कर सकते हैं, और आप अपने टाइमर लगाएं, फुल लेंथ पेपर करें, उसके सोल्यूशन देखें। ये नहीं आपने देखना कि अच्छा मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हो गए, इतने गलत हो गए, अब नेक्स्ट करूँ, नहीं। एक किया सॉल्व, उसके आपने सोल्यूशन देखे, ये मेरा गलत हुआ है, उस क्वेश्चन को देखना है। कि ये नहीं देखना कि मेरी क्वांटिटी कितनी गलत हुई है, देखना है कि क्वांटिटी के साथ साथ मेरे जो गलत हुआ है वो कौन सा पोर्शन है। फॉर एग्जांपल मैथ का मेरा प्रोपोर्शन है, रेशो का प्रोपोर्शन ज्यादा खराब हो रहा है, मेरा मैथ का जो वर्ड प्रॉब्लम का है वो पोर्शन ज्यादा गलत आ रहे हैं क्वेश्चन मेरे, या मेरे एज प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरी तरफ देखें कि मेरी वो कैब वीक चल रही है अभी। तो जब 1, 2, 3, 4 आप पेपर जिस तरह ज्यादा पेपर करते जाएंगे तो आपके लिए उतने ज्यादा बेहतर होता जाएगा आपका, तो आप अपनी जो गलती होगी उसे सीखेंगे भी। तो अभी जितना भी आपके पास टाइम है आप जितना भी फुल लेंथ पेपर कर सकते हैं करें। मगर अगर आप मुझसे एडवाइस लें, मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस करूंगा जो लोग आईबीए के टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं। नंबर वन, अपनी रीडिंग को हैबिचुअल बना लें, रोजाना रीडिंग करनी है, 1 से 2 घंटा रीडिंग जरूर करनी है। और यू कैन रीड दिस बुक, इलॉन मस्क की एक बुक है, अगर आपको कोई बुक नहीं मिल रही तो इसके अंदर वो कैब थोड़ी सी मुश्किल है, तो आपको वो कैब याद करते हुए थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और अच्छे खासे इसके पेजेस हैं, लाइक 402, तो ये जब आप वो कैब इतनी तैयार, इसके अंदर अच्छी खासी मुश्किल वो कैब है, पढ़ते हुए मुझे भी अच्छा खासा पता चल रहा है कि इसकी वो कैब मुश्किल है। तो आपको कोई बुक नहीं मिल रही तो आप ये बुक ले लें, मैं आपको बुक रिकमेंडेशन में ये दूंगा। दूसरी बात ये कि वो कैब की जो प्रिपरेशन के अंदर जिस तरह हमने बताया कि आपने हैबिचुअल उसे भी बनाना है, कि रात को सोते वक्त हैबिट बना लें कि प्ले कार्ड्स के ऊपर रोजाना आपने उनको माइंड के अंदर से गुजारना है। और थर्ड थिंग इज कि पेपर की प्रैक्टिस करें, और वो पेपर की प्रैक्टिस इसी तरह होगी कि आपको फुल लेंथ पेपर को हाथ से गुजारना पड़ेगा। ट्राई टू प्रिंट प्रिंट आउट लेकर पेपर करें, पीडीएफ की सूरत में कभी मत पेपर करें, प्रिंट निकलवाएं उन्हें और उनको पेपर के ऊपर डे बाय डे रोजाना सॉल्व करें। होप कि इंशाल्लाह ये जितनी भी हमने बातें की हैं आपके लिए यूजफुल होंगे, और अगर आप आईबीए में एडमिशन ले लेते हैं तो हम आपसे इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे।